हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के मॉडल पेपर से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 2022 के मॉडल पेपर से। और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने 13 पार्ट और भी मॉडल पेपर के बना दिए हैं। यह पार्ट 14 है फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का भी 14 पार्ट और बायोलॉजी के 18 पार्ट मॉडल पेपर के बना के कम्प्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, एक आदमी अपने हाथों को मोड़कर घुमाने वाली मेज़ पर बैठा है। वह अचानक अपने हाथों को सीधा करता है तो उसी घूर्णन की चाल। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, बढ़ जाती, घट जाती, समान रहती, इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्वेश्चन के एक बार और रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक आदमी अपने हाथों को मोड़कर घूमने वाली मेज़ पर बैठा, किस पर बैठा, घूमने वाली मेज़ पर बैठा है। वह अचानक अपने हाथों को सीधा करता है, वह अपने हाथों को अचानक क्या करता है, सीधा करता है, तो उसकी घूर्णन की चाल होगी। तो उसकी घूर्णन की चाल क्या होगी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा भी सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ति का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो व्यास के समांतर स्पर्श के परित जड़त्व अघुण का मान होगा। क्या बताना है, जड़त्व अघुण का मान। जब शक्ति का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व घुण का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2/3 mr². क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2/3 mr². चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग भी ई ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी के हैं। एक द्रव्यमान तथा व्यास की तुलना में 3 गुना है, उस ग्रह पर पलायन वेग होगा। तो उस पर 3 गुना है तो उस पर पलायन ग्रह उस ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन के एक बार और पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भी ई। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, भी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किस तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है। पृष्ठ तनाव किस पर सबसे कम होता है, किस तापमान पर। तो ये क्वेश्चन मैंने एक दो बार कराया भी है फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के बना दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री पर। कितने पे, 20 डिग्री पर पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 3 कणों की चाल क्रमशः 0.5, 0.1 और 2 किमी प्रति सेकेंड है तो वर्ग माध्यमूल चाल तथा औसत चाल का अनुपात होगा। क्या है क्वेश्चन, यदि 3 कणों की चाल क्रमशः 0.5, 1 और 2 किमी प्रति सेकेंड है तो वर्ग माध्यमूल चाल तथा औसत चाल का अनुपात होगा। तो औसत चाल का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.234। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 0.234। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि सूर्य का तापमान दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा की दर कितनी गुनी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन इसमें क्या बताया है, यदि सूर्य का तापमान दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा की दर कितने गुना बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से वो कितने गुना बढ़ जाएगी बताना है, अगर सूर्य की तापमान को दुगुना कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। कितनी बढ़ जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी।
लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैस न्यूनतम कार्य करती है जब वह फैलती है। क्या है इस क्वेश्चन? गैस न्यूनतम कार्य करती जब वह फैलती है। तो न्यूनतम कार्य कब करती जब वह फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम आयतनिक परिवर्तन पर। किस पे फैलती है तो न्यूनतम कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी, सम आयतनिक परिवर्तन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक सवाल है फ्रेंड्स, तो इसे लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे लगाकर टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि स्रोत 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से श्रोता की ओर चल रहा है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 500 हर्ज है तथा ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है। श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति है। तो क्वेश्चन थोड़ा फ्रेंड्स इसे ध्यान से पढ़ना होगा, तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार और। क्वेश्चन क्या है? ध्वनि स्रोत 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से श्रोता की ओर चल रहा है। श्रोता मतलब कोई सुनने वाला है फ्रेंड्स, श्रोता की ओर चल रहा है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 500 हर्ज है तथा ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति होगी, तो जो श्रोता सुन रहा है उसकी सुनने वाली आवृत्ति क्या होगी ये बताना, कितने हर्ज पर वो सुन रहा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 458.3 हर्ज। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी सी, 458.3 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9, दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश पुंज की तीव्रताएं हैं तथा फोरवन अध्यारोपित होती है, परिणामी पुंज में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश पुंज की तीव्रताएं हैं तथा फोरवन अध्यारोपित होती है, परिणामी पुंज में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 9 और 6 की न्यूनतम तीव्रताएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी, 9 और 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि लाल रंग, हरा रंग तथा नीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी क्रमशः एफ आर एफ जी तथा एफ बी है, तब निम्न में से कौन सा एक सही है? तो निम्न में से एक कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ आर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ आर। तो ये थे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के मॉडल पेपर 2022 से लिए गए थे। आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। जुलाई में ही होगा, चाहे जुलाई के लास्ट में हो या जुलाई के पहले या दूसरे वीक में हो। तो जो भी होगा मैं आपको इन सब जानकारियाँ देता रहूँगा फ्रेंड्स, कब आएगा एडमिट कार्ड, कैसे एग्ज़ाम देना है, कुछ ट्रिकी वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी वो सब बात की बातें, अभी अपनी फोकस कीजिए पूरी तैयारी पर। बाकी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।